हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। 7.3 एक्सरसाइज, 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रूट्स बीइंग जीरो, सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और गिवन है कि इसके दो रूट्स का सम जीरो है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट। कंडीशन क्या गिवन है कि दो रूट का अगर हम सम करते हैं जीरो आता है। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से सम ऑफ रूट निकालिए। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 5/1 विच इज इक्वल टू 5। और अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो implies that 0 plus gamma equal to 5 implies that gamma equal to 5। यहाँ से हमें एक रूट मिल जाता है इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, सॉल्व करना है मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न। x क्यूब कोफिशेंट 1, x स्क्वायर, देन x, देन कॉन्स्टेंट 1 एज इट इज़, 5 ऐड करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0, माइनस 16 एंड माइनस 80 इज 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। देन एक रूट हो गया हमारा 5 एंड दो रूट आ गए प्लस माइनस 4। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी हो और यहाँ पे कंडीशन वही अप्लाई हो रही है कि इसके दो रूट्स का सम जीरो दे रखा है। लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट भी 4 ही आएंगे। ओके, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सच दैट। कंडीशन क्या गिवन है हमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, दो रूट्स का सम हमने जीरो ले लिया यहाँ पे। देन सम ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सम ऑफ रूट निकालेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो 2/1 इज इक्वल टू 2 माइनस ये, एंड माइनस हम सम ऑफ रूट का लेके चलेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास 2 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, 0 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2। ओके, एंड जो गामा डेल्टा है, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2। जो हमने 4 डिग्री क्वेश्चन कल 6th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो AP में दे रखे थे, वो कुछ इसी मेथड से थे। कैसे, हमें ये क्वेश्चन फॉर्म करेंगे जिसके अल्फा और बीटा दो रूट होंगे। यहाँ से हमें सम ऑफ रूट मिल रहा है जिसकी वैल्यू 0 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लेके चलते हैं। लेट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी, एंड अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे गामा और डेल्टा को लेके, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स डेल्टा गामा इंटू डेल्टा इज क्यू ले लेते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन फॉर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 दे है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, ये फैक्टर कंप्लीट 0, एंड ये हमने लिया है पी प्लस पी इक्वल टू 0, एंड ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा इज 2 माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्यू लिया है। देन जो क्वेश्चन फर्स्ट है, दिस कैन बी राइट एक्स 4 माइनस 2x³ प्लस 4x² इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वल रखेंगे किसके, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई के। वाई, बिकॉज दीज इक्वेशंस, दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर फॉर्म बाय द रूट ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इसके जो इक्वेशन के रूट्स हैं
उन्हीं को यूज़ करके बनाई हैं, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए आप, इसका कोफिशियंट 1 है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू ये हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे 1 से अदर देन कोफिशियंट होता तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते। चलिए अब हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, देन इसको सॉल्व करेंगे हम और कंपेयर कर लेंगे कोफिशियंट्स। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस 2px प्लस x²³ एंड प्लस pq, ठीक है। x³ माइनस 2x³ यहाँ से एंड स्क्वायर क्वांटिटी p प्लस q, x² कॉमन ले लेते हैं एंड x की जो क्वांटिटी है, x का एक ही है, 2px प्लस pq। ओके, अब कंपेयर इस तरह से करेंगे कि हमें वैल्यू मिल जाए पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू के। तो कॉफिशेंट कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का एंड कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा भाई, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है लेफ्ट हैंड साइड से 4 एंड राइट हैंड साइड पे है पी प्लस क्यू एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज -21 एंड राइट हैंड साइड है पी इंटू क्यू। ओके, नाउ वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर पी एंड क्यू। इफ पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, या इफ हटा दीजिए आप लिख लीजिए, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बनाएंगे हमें सम ऑफ रूट मिल रहा है यहाँ से, पी प्लस क्यू सम ऑफ रूट हो गया एंड पी इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी एंड माइनस 21 इक्वल टू जीरो। पी क्यू की वैल्यू रखेंगे एंड पी प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास टी में इक्वेशन आ जाती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट आएंगे और दो रूट के उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एंड क्यू। देन इसके फैक्टर बनाएंगे टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 4t माइनस 21 इक्वल टू जीरो, टी माइनस 7 एंड टी प्लस 3 लेंगे यहाँ पे 3, ये फैक्टर बन जाएंगे टी माइनस 7 एंड प्लस 3 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 3, ठीक है। देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 एंड माइनस 3 एंड 7 पॉजिटिव। देन हमारे पास जो पी और क्यू रूट थे इस इक्वेशन के, तो एक वैल्यू हम लेके चलेंगे पी की, देयरफॉर पी इक्वल टू -3 एंड क्यू इक्वल टू 7 बिकॉज पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप इस तरह से नहीं तो आप दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए कोफिशियंट कंपेयर कर सकते हैं हम पी प्लस क्यू, आप एक्स का कोफिशियंट भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी पी की यहाँ से, ठीक है। तो 2p इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है एक्स का कोफिशियंट 6, तो इधर से लेंगे हम 6 एंड राइट हैंड साइड पे दे रखा है -2p, देन p की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंड p प्लस क्यू में पुट कीजिए, यहाँ पे p की वैल्यू -3 पुट करेंगे देन ये आ जाएगा 4 इक्वल टू -3 प्लस क्यू। ओके, देन q की वैल्यू 7, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे और इस तरह से इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देन p की वैल्यू मिल गई है, q की वैल्यू मिल गई है, ये क्वेश्चन 2 ले लीजिए। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 जो राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू इज -3, पी की वैल्यू रखेंगे एंड क्यू इज एक्स स्क्वायर -2x प्लस क्यू इज 7 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये इक्वल है इस इक्वेशन के और ये इक्वेशन हमें इक्वल टू 0 दे रखी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर
this factor equal to 0 or x square minus 2x plus 7 equal to 0. यहाँ पे आप अप्लाई करोगे x is equal to, इधर लाओगे आप 3 हो जाएगा and x equal to plus minus root 3. दो रूट यहाँ से मिल गए हमें. अब इसको सॉल्व कीजिए. x square minus 2x plus 7, x equal to minus b, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. देन x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 24 डिवाइड बाय 2. ठीक है, 24 को क्या लिखेंगे यहाँ से, सिक्स इंटू फोर कर लेते हैं. देन एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 आयोटा, माइनस में अंडर रूट में आयोटा में चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 2. आप एक्स 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए. देन 1 प्लस माइनस रूट 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस रूट 6 आयोटा. दो रूट यहाँ से मिल जाते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 एंड दो रूट यहाँ से आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन हमें गिवन है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दो रूट इस इक्वेशन के मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट साइड. देन सॉल्व इट. लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, 4 डिग्री इक्वेशन तो हम चार रूट लेके चलेंगे, आर रूट्स ऑफ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर दो रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी दोनों की इक्वल है बट ऑपोजिट साइन के. देन वी कैन राइट दैट अल्फा इक्वल टू बीटा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया बट ऑपोजिट साइड ले लिया हमने. इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0. और ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, सेम टू सेम. नेक्स्ट अप हमने क्या किया था, सम ऑफ रूट निकाला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. यहाँ से सम ऑफ रूट निकालोगे तो माइनस 45 डिवाइड बाय 9, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, दिस इज 5. एज इट इज़ वही क्वेश्चन बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 0, गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा, सम ऑफ रूट मिल गया हमें यहाँ से, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0. दोनों ही सम ऑफ रूट से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट हम मान के चलेंगे यहाँ से, या इसका पी ले लीजिए, इसका क्यू ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा पी लेके चलेंगे. ठीक है, फिर वैसे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इसको इक्वल रखेंगे दोनों की प्रोडक्ट के और वहाँ से पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पीछे जो क्वेश्चन करवा चुके हैं एज इट इज़ वही है ये. क्वेश्चन 9 देखिए, सॉल्व द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट टू ऑफ द रूट्स आर इन द रेशियो 3:2, देन रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन बी 3α 2α एंड बीटा. क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट लेने हैं. अब इसने कहा कि दो रूट्स का रेशियो 3:2 होना चाहिए, तो जैसे ही आप दो रूट को डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 3:2 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लेके चलेंगे रूट्स 3α 2α एंड बीटा. देयरफॉर सम ऑफ रूट, यानी तीनों का मैं सम कर देती हूँ, प्लस बीटा इक्वल टू, इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, देन माइनस 9 डिवाइड बाई 1, दिस इज 9. 5α प्लस बीटा इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अब है अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए. नाउ वी कैन टेक द सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, मीन्स 3α इंटू 2α प्लस 2α इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 3α इक्वल टू, क्योंकि हमने दो को एक टाइम पे यूज़ किया है, तो माइनस 1 की पावर 2 एंड x का कोफिशियंट चेक करते हैं यहाँ से, 14 डिवाइड बाय x क्यूब का कोफिशियंट, दिस ये आ जाएगा 14. 6α स्क्वायर प्लस 2α बीटा प्लस 3α बीटा इक्वल टू 14, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5α बीटा इक्वल टू
14। बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके पुट कर सकते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 9 माइनस 5 अल्फा इक्वल टू 14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 45 एंड माइनस 25 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 14। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर 19, अल्फा स्क्वायर प्लस 45 अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0। ये अल्फा में हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। इसका फैक्टर बना के सॉल्व कर लेना इसको। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 7 बाय 19। ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चेक करना है कि कौन सा रूट हम लेके चलेंगे अल्फा की वैल्यू, देन हम अल्फा इक्वल टू 2 इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अल्फा इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट नहीं स्टार ले लीजिए इसको, ये इक्वेशन हम स्टार ले लेते हैं, ओके। तो अगर सेटिस्फाई करता है तो अल्फा इक्वल टू 2 इट्स रूट 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 प्लस 24। सॉल्व करते हैं यहाँ से, 8 माइनस 4 36, 28 प्लस 24 नहीं आएगा, -36 है, नॉट इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रूट है वो क्या बनेगा यहाँ से, बाकी 2 वैल्यू मिल जाती है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारा इक्वेशन का रूट बनेगी। इक्वेशन स्टार ले लेते हैं इसको। अब जो रूट थे हमारे पास वो 3 अल्फा एंड 2 अल्फा है। हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट करके नहीं देख सकते, यहाँ से हमें 3 अल्फा यानी कि रेशियो में लेके चल रहा है अल्फा की वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 3 अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, -1 रेज टू पावर 3 इंटू 24 बाय 1, दिस इक्वल टू -24 एंड ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। अब हम देखते हैं किस कौन सी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू, अल्फा अगर हम 2 लेते हैं देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2 रखेंगे देन 10 और 10 इधर जाके -1, तो बीटा की वैल्यू -1 आ रही है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू 7 बाय 19 लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 7 बाय 19, देन 5 इंटू 7 बाय 19 प्लस बीटा इक्वल टू 9। बीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 9 माइनस 35 बाय 19, एलसीएम लेंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 136 बाय 19। अब हमारे पास 2 वैल्यू हो गई है, अल्फा अगर 2 है तो बीटा की वैल्यू -1, और अल्फा अगर 7 बाय 19 है देन बीटा की वैल्यू आ जाएगी -136 बाय 19। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं एंड इस इक्वेशन को हम थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस का यूज़ करके अल्फा बीटा की वैल्यूज़ मिल गई है। अब आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू -1, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए, देन हमारे रूट यही हो जाएंगे, ठीक है। जो वैल्यू अल्फा बीटा की यही सेटिस्फाई करेंगी। तो अल्फा इक्वल टू 2 रखते हैं 4 एंड बीटा -1, दिस इज -24 इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 3, ठीक है। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज इक्वेशन थर्ड। देयरफॉर जो दूसरे वाली वैल्यूज है यानी कि अल्फा इक्वल टू 7 बाय 19 और बीटा इक्वल टू 136 बाय 19, ये आप पुट करके देख सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, इक्वल टू -24 आना चाहिए। जब ये पुट करोगे तो नहीं आएंगे, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा 2 है तो यहाँ से आ जाएगा रूट्स 6
4 एंड माइनस 1, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. यहीं पे नहीं छोड़ देना है कि अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू माइनस 1, ये रूट नहीं बने हमारे, क्योंकि रूट जो हमने लिए थे वो लिए थे रेशो में, 3/2 रेशो, समझ गए. तो हमारे रूट वहाँ पे रखने पड़ेंगे आप अल्फा की वैल्यू तब फाइंड आउट करें. क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10th, सॉल्व द इक्वेशन 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर 121x प्लस 60 इक्वल टू 0. इट बीइंग गिवन दैट वन रूट इज हाफ द सम ऑफ द अदर. एक जो रूट होगा वो बाकी जो दो रूट बच जाते हैं उनके सम का हाफ के इक्वल होगा. सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है. लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन जो कंडीशन दे रखी है अप्लाई कीजिए. अल्फा इक्वल टू, एक रूट किसके इक्वल है, बाकी दो के सम के हाफ के इक्वल. दैट मीन्स दोनों का सम करेंगे और इसका हम हाफ कर लेते हैं. इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा. इक्वेशन सेकंड हो गया सॉल्यूशन. सम ऑफ रूट लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ रूट दिस इज माइनस 81 डिवाइड बाय 18. वैल्यू किसकी रख सकते हैं, बीटा प्लस गामा की. तो यहाँ पे बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखिए. अल्फा बीटा प्लस गामा के प्लेस पे रखेंगे 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 81 बाय 18. 3 अल्फा इक्वल टू 81 बाय 18. देन अल्फा इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3. ठीक है, 2 एंड 3 आंसर आ गया माइनस 3/2. यानी हमें एक रूट मिल जाता है माइनस 3/2. बाकी दो निकालने बहुत बारी कर चुकी हूँ. आई होप यू कैन सॉल्व इट. कैसे करना है, सिंथेटिक डिवीजन से. माइनस 3/2 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपके पास, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे. ठीक है, 11th क्वेश्चन देखें. द इक्वेशन 4 डिग्री इक्वेशन दे रखी हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स. इसके जो दो दो पेयर हैं वो इक्वल रूट्स के हैं. मीन्स अल्फा अल्फा बीटा एंड बीटा पेयर बनाया हमने इक्वल रूट्स का. ऐसे यहाँ पे क्योंकि चार रूट बनने हैं तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर सम ऑफ रूट निकालते हैं. अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4/1. मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4 एंड अल्फा प्लस बीटा 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2. सम ऑफ रूट मिल जाता है हमें यहाँ से. प्रोडक्ट ऑफ रूट हम एज्यूम करके चलते हैं. लेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इस पी ले लेते हैं. देन इक्वेशन फर्स्ट 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगी. इन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा लेके अगर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है प्लस हो जाएगा माइनस, हम अप्लाई करते हैं माइनस ये भी है प्लस पी एंड इसका स्क्वायर. स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेम रूट बने, समझ गए, पेयर ऑफ रूट्स जो सेम दे रखे हैं तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 डिग्री की आएगी ना. नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड. एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से देखिए माइनस 12 एंड राइट हैंड साइड से क्या आएगा, आप इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे हम, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स क्यूब बनेगा, 2 इंटू बी इंटू सी यहाँ पे जो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2x इंटू पी, दिस इज 4px. यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट बनेगा. फिर हम करते हैं ए इंटू सी, यहाँ पे भी स्क्वायर तो ओनली एक ही टर्म आएगी, इसलिए पूरा स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ से इक्वल टू 4px. सॉरी एक्स नहीं, एक्स का तो हम कोफिशियंट ले ही रहे हैं, तो 4p इक्वल टू माइनस 12, पी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से माइनस 3. ठीक है, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3. दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एंड इसका स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इसके सेम सेम फैक्टर इक्वल टू जीरो होंगे ठीक है एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें चार वैल्यू चाहिए फोर डिग्री इक्वेशन है वैसे भी एज इट इज ही आएंगे तो आप एक टर्म को ही सॉल्व करेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जो आपके पास माइनस थ्री आने चाहिए एडिशन प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स सॉरी एक्स एंड दिस इज माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस थ्री ठीक है तो दो रूट हमें यहाँ से मिल जाते हैं और हमें पता है कि यहाँ पे पेयर में चल रहे हैं दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू आएगी या टोटल रूट आएंगे वो हम कैसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू वन वन माइनस थ्री एंड माइनस थ्री दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्वेश्चन 12 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये हमें इक्वेशन गिवन है फोर डिग्री की आर ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फा इस फॉर्म में इसके रूट गिवन है जहाँ पे अल्फा और बीटा रियल क्वांटिटी गिवन है फाइंड ऑल रूट्स यानी आप उसके सारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं ठीक है तो दो रूट गिवन है हमें टू रूट्स आर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फा बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं देन वी कैन राइट द अदर टू रूट अदर टू रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड बीटा माइनस आयोटा अल्फा बिकॉज हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास चार रूट मिल जाते हैं सम ऑफ रूट निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस आयोटा बीटा फर्स्ट रूट प्लस करेंगे सेकेंड रूट आयोटा अल्फा प्लस थर्ड रूट एंड फोर्थ रूट सबका सम ले लिया हमने सम ऑफ रूट करेंगे यहाँ से देन माइनस सिक्स एंड माइनस अप्लाई करेंगे छः आ जाएगा सिक्स बाय वन इज सिक्स आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कैंसिल आयोटा अल्फा से आयोटा अल्फा कैंसिल अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा प्लस बीटा टू अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू सिक्स इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री इक्वेशन सेकेंड अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सारे रूट्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड इट्स कंजुगेट ले लेते हैं साथ में अल्फा माइनस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट बीटा प्लस आयोटा अल्फा एंड बीटा माइनस आयोटा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया हमने माइनस वन रेज टू पावर फोर यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा एंड कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट जो एक्स की पावर का फोर का कोफिशियंट ये आ जाएगा 25 बाय 1 इज 10 इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिस इज ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन प्लस हो जाएगा सेम टू सेम यहाँ पे प्लस हो जाएगा देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देन वी कैन राइट इट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर को कैंसिल करेंगे अंडर रूट लेंगे नाउ अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों हमें क्या गिवन है रियल नंबर्स है रियल क्वांटिटी है दैट मीन्स अगर मैं दोनों क्वांटिटीज़ रियल क्वांटिटीज़ का स्क्वायर का सम करती हूँ देन उसकी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती ओके देन एज अल्फा एंड बीटा आर रियल देयरफॉर
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव नहीं हो सकती है, देयरफॉर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा यहाँ लिख लेते, इक्वल टू फाइव, एंड इक्वेशन इज थ्री। सेकेंड इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू थ्री माइनस अल्फ़ा, बीटा इज थ्री माइनस अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस थ्री माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू फाइव। सॉल्व करते हैं इसको, अल्फ़ा स्क्वायर नाइन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फ़ा इक्वल टू फाइव, टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फ़ा, सिक्स माइनस फाइव इज़ फोर इक्वल टू ज़ीरो। टू कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस टू, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू एंड वन, ठीक है, माइनस वन कॉमन लेंगे अल्फ़ा माइनस टू हो जाएगा, तो वन एंड टू अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू वन लेते हैं देन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अल्फ़ा यहाँ पे वन रखिए, बीटा की वैल्यू टू आ जाएगी, बीटा इज़ टू, एंड इफ़ अल्फ़ा टू देन बीटा इज़, यहाँ पे टू रखेंगे तो बीटा की वैल्यू वन आ जाएगी। और रूट हमारे किस फॉर्म में है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा, इस फॉर्म में रूट गिवन, अल्फ़ा की वैल्यू वन और बीटा इक्वल टू टू लेके चलेंगे, देन वन प्लस माइनस टू आयोटा, एंड एक बार आ जाएगा जब हम ये वैल्यूज रखते हैं टू प्लस माइनस आयोटा, देन ये चार रूट आ जाएंगे हमारे पास जो इस फॉर्म के बनेंगे, ठीक है। द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू रूट्स, फाइंड लैम्डा एंड सॉल्व द इक्वेशन। लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट हियर, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इक्वेशन सॉल्व करनी, मीन्स इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रूट्स, एंड कंडीशन क्या गिवन है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ टू रूट इक्वल होगा अदर ऑफ टू रूट। नाउ सम ऑफ रूट प्लस डेल्टा इक्वल टू, हम सम करते हैं टू रूट्स का, देन सॉरी सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, देन माइनस माइनस एट बाय वन प्लस हो जाएगा, दिस इज एट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या फिर गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू रखेंगे, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम इक्वल दे रखा है, तो इसकी प्लेस पे हमने पुट कर दिया एट, टू टाइम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एट एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फोर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फोर एंड दोनों इक्वल हैं, गामा प्लस डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू फोर। लेट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लेके चलेंगे, आगे सारा का सारा वही प्रोसीजर है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, गामा एंड डेल्टा इक्वल टू क्यू ले लेते हैं, देन इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट फोर एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, इनसे इक्वेशन बना लिया हमने, देन इक्वेशन फर्स्ट जो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल हो जाएगी दोनों के मल्टीप्लाई के, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर एक्स प्लस क्यू, ओके लिख ही लेते तो सही रहता, लिख ही लेते हैं, कोफिशेंट कंपेयर करने पड़ेंगे यहाँ से, जो इक्वेशन गिवन है हमें एक्स फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस नाइनटीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा इन टू एक्स प्लस टू, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू।
मल्टीप्लाई ओपन करेंगे यहाँ से, एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स की ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी एक्स एंड क्यू के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस क्यूब एंड क्यूब एट एक्स क्यूब एंड स्क्वायर की टर्म देखिए यहाँ से, दिस पी प्लस क्यू प्लस सिक्सटीन और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओके देन एक्स की टर्म देखते हैं, फोर पी एंड फोर क्यू माइनस फोर इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज पी क्यू, देन कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ से, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट लेके चलते हैं, कंपेयरिंग कॉफिशेंट, कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट देखिए वहाँ से 19 एंड यहाँ से देखेंगे देन पी प्लस क्यू प्लस 16 एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्स का कॉफिशेंट चेक करते हैं यहाँ से 4 लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए यहाँ से, देन 4 लैम्डा एंड इधर से आ जाएगा माइनस फोर इंटू पी प्लस क्यू एंड लास्ट में जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म टू इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, इनसे आप बना सकते हो पी प्लस क्यू की वैल्यू, इसी क्वेश्चन से निकाल लीजिए, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 19 माइनस 16 इज 3, ठीक है। एंड ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर हमने यूज़ किया है ओनली फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए इसको, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी एंड फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। अब इसको सॉल्व करते हैं हम फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड से वैल्यू लेके चलेंगे पी प्लस क्यू और पुट कर देंगे हम फोर्थ में, देन फोर लैम्डा इक्वल टू माइनस फोर एंड पी प्लस क्यू इज 3, फोर से फोर कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू माइनस 3, लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। नाउ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड इक्वेशन पे आइए दोबारा से, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से, तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, पी क्यू दे रखा है, पी प्लस क्यू आपको मिल गया है, देन इसको फिर से जो पीछे वाला मेथड आपने अडॉप्ट किया था इक्वेशन बनाएंगे, पी क्यू का रूट लेंगे माइनस 3t एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, t इक्वल टू माइनस इसके रूट बने जो फैक्टर बनेंगे माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, देन t इज अ 2 एंड यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे 1, देन p की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड q इज 2, p और q दोनों मिल जाएंगे हमें यहाँ से, देन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करोगे, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन सेकेंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इन फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे दोनों को और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन हमें रूट मिल जाएंगे x के। ठीक है, तो हमें इक्वेशन के रूट चाहिए, देन हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यहाँ से दो रूट आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, दीज आर द फोर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को कवर करेंगे, कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।